गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का टर्मिनल का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, कांग्रेस पर हमला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने राजकोट के नवनिर्मित हिरासर एयरपोर्ट पर उतरे और फिर वहां से एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पहुंचे और उसका उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। पीएम मोदी आज अपने दौरे में राजकोट को कुल 2030 करोड़ रूपए की सौगातें दी। कांग्रेस पर महंगा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया। जब वो केंद्र में सत्ता में थे तो इन्होंने महंगाई दर को 10% तक पहुंचा दिया था। अगर हमारी सरकार ने महंगाई काबू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमतें आसमान छू रही होती। अगर देश में पहले वाली सरकार होती तो आज दूध 300 रुपये लीटर, दाल 500 रुपए किलो बिक रही होती। बच्चों की स्कूल फीस से लेकर आने जाने का किराया तक सब कुछ कई गुना हो चुका होता। लेकिन साथियों, ये हमारी सरकार है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने महंगाई को गंभीरता से नियंत्रित किया। हमारी सरकार की नीति और निर्णयों से कैसे पैसे बच रहे हैं, इसका एक उदाहरण फोन भी है। आज हर भारतीय औसतन 20 GB डेटा इस्तेमाल करता है। 2014 में 1 GB डाटा 300 रुपए में पड़ता था। अगर वही पुरानी सरकार आज भी होती तो आपका 6000 रुपए का बिल देना पड़ता। आज लोगों के हर महीने 5000 रुपए बच रहे हैं। आजकल इन लोगों ने अपनी जमात का नाम बदल दिया है। चेहरे वही है, तौर तरीके भी वही है, पाप भी पुराने हैं, तब नाम बदल लिया है। जब मिडिल क्लास को कुछ सस्ता मिलता है तो कहते हैं महंगाई को रोना रोते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजस्थान के सीकर में पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस को लूट का बाजार बताया और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, कांग्रेस और विपक्ष पर हमला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा, सीमे के नाम में भी इंडिया था, उसने नाम बदलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर दिया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष ने गठबंधन का नाम इसलिए बदला ताकि कारनामे छिपा सके। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का मतलब लूट का बाजार है। लोकतंत्र में हर सरकार को अपने काम का हिसाब देना होता है, लेकिन क्या राजस्थान में कांग्रेस अपने काम का हिसाब देती है? उन्होंने कीमती समय आपसी खींचतान में वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान में दलितों पर अत्याचार चरम पर है, नशे का कारोबार फल फूल रहा है, हमारे तीज त्योहारों पर खतरा मंडराता रहा है। कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। राजस्थान के लोग बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं सह सकते। छोटी छोटी बच्चियां और स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर तक सुरक्षित नहीं हैं। कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस नेता पीड़िता महिलाओं पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इंडियन यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की विचारधारा ने ही मणिपुर को जलाया है। और क्या किया राहुल गांधी ने, मोदी सरकार पर हमला, देखते हैं रिपोर्ट में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया।
इस कार्यक्रम में उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता के लिए भूखी है और उसके लिए वह मणिपुर तो क्या बल्कि पूरे देश को भी जलाने से पीछे नहीं हटेगी। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वे मणिपुर के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे, उनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल ने कहा कि आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कांग्रेस ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसे एनडीए और इंडिया की पहली लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है। क्या विपक्ष ने 2024 के लिए चुनाव के लिए पीएम मोदी की पिक्चर तैयार कर दी है, देखते हैं रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो केंद्र की सरकार को कठघरे में खड़ा करने का विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। कांग्रेस ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया है, जिसे एनडीए बनाम इंडिया की पहली लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है। वैसे विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से केंद्र की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा में बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल है। एनडीए के मौजूद वक्त में लोकसभा में कुल 325 सदस्य हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने वालों की संख्या 126 तक ही सिमट जाती है। यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी बेफिक्र है, लेकिन पिछले इतिहास को देखा जाए तो ये दाव विपक्ष को ही भारी पड़ सकता है। 26 जुलाई 2023 को कांग्रेस की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो पिछले ट्रेड को देखते हुए ये भी माना जा सकता है कि कहीं न कहीं विपक्ष ने 2024 के चुनाव के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए पिच तैयार कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। एनसीपी नेता अजित पवार बगावत करते हुए एनडीए में शामिल हो गए थे। उन्होंने एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया था। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नोटिस भेजा। अब क्या बोले अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। चुनाव आयोग ने एनसीपी के शरद पवार गुट को नोटिस जारी किया है। इसमें अजित पवार की ओर से पार्टी पर दावा किए जाने को लेकर जवाब मांगा गया। शरद पवार गुट ने कहा कि चुनाव आयोग ने एक पत्र भेजकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की ओर से पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी है। शरद पवार गुट के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टू ने कहा कि वे जल्द ही इस पत्र का जवाब देंगे। वहीं अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पटेल ने कहा कि मैं हमारी पार्टी के आंतरिक मामलों से जुड़े मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि शरद पवार हमारे आदर्श बने रहेंगे और हम चाहते हैं कि हमने जो राजनीतिक निर्णय लिया है उसे वह स्वीकार करे। पटेल ने कहा कि हम उन्हें मना लेंगे। गौरतलब है कि बीती 2 जुलाई को अजित पवार ने कई एनसीपी विधायकों को साथ लेकर बगावत कर दी थी, जिसके बाद पार्टी में विभाजन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मोदी सरकार 50 साल पुराने कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए लोकसभा में बिल पेश किया जा चुका है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया। इस बिल में क्या क्या प्रावधान है और इसमें आपको कैसे फायदा होगा, देखते हैं रिपोर्ट में। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में एक नया बिल पेश किया,
इस बिल के कानून बनने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का डिजिटली रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बिल में प्रावधान है कि रजिस्टर्ड जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डेटाबेस तैयार किया जाएगा। बिल के कानून बन जाने पर शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट तैयार करने, केंद्र या राज्य सरकार में पदों पर नियुक्ति के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में यूज किया जा सकेगा। इस बिल के तहत रजिस्ट्रार को बर्थ और डेथ का फ्री में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका सर्टिफिकेट 7 दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को देना होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल 2023 पेश किया। ये बिल 1969 के रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ कानून को संशोधित करेगा। प्रस्तावित बिल में जन्म और मृत्यु के डिजिटल रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने दावा किया है कि इससे निजता के अधिकारी का उल्लंघन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। महाराष्ट्र के कई शहरों में रात भर भारी बारिश हुई। जल भराव के कारण नागपुर पे नरेंद्र नगर रेलवे अंडरब्रिज और हाईवे अड्डा प्रवेश मार्ग बंद कर दिया गया है। वहीं तेलंगाना मुलुंग में NH-163 पुल के ऊपर पानी बह रहा है। महाराष्ट्र और तेलंगाना बारिश से कैसी है स्थिति, देखते हैं रिपोर्ट में। महाराष्ट्र और तेलंगाना में लगातार तेज बारिश हो रही है, इस वजह से दोनों राज्यों में जगह जगह जल भराव हो गया है। तेलंगाना के मुलुगु में NH-163 पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, तो वहीं मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। यहां तेज से भी बहुत अधिक तेज बारिश होने की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के कई शहरों में रात भर भारी बारिश हुई, इससे नागपुर के कई इलाकों में पानी भरने की खबर सामने आई है। जल भराव के कारण नरेंद्र नगर रेलवे अंडर ब्रिज और हवाई अड्डा प्रवेश मार्ग बंद कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया पिछले 24 घंटे से बारिश जारी है। IMD ने महानगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इसके मद्देनजर BMC ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए। तेलंगाना के शहरों में लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से मुलुगु में NH-163 पुल के एक हिस्से के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं हैदराबाद में लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। फिल्म ओ माय गॉड 2 सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी के बेहद ही फंसी हुई है। सेंसर बोर्ड कमेटी ने फिल्म पर अपनी आपत्ति जताते हुए 20 कट्स देने का सुझाव फिल्म के मेकर्स को दिया है, जबकि मेकर्स का कहना है कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर कट लगाने की जरूरत हो। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट में। ओ माय गॉड 2 की रिलीज डेट बेहद करीब आ गई है, लेकिन फिल्म अभी भी सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चक्करों में फंसी हुई है। लोगों की आस्था और धर्म पर आधारित फिल्म ओ माय गॉड 2 को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की एग्जामिनिंग कमेटी ने सर्टिफिकेट देने से इनकार करते हुए फिल्म को दोबारा से देखने के लिए रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने भी इस फिल्म पर अपनी आपत्ति जताते हुए इसे 20 कट्स देने का सुझाव फिल्म के मेकर्स को दिया है। इतना ही नहीं, फिल्म को ए यानी एडल्ट सर्टिफिकेट देने की बात भी सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने कही है, लेकिन मेकर्स को फिल्म को दिए हुए प्रस्तावित ए सर्टिफिकेट फिल्म के मेकर्स को मंजूर नहीं है और इसी को लेकर फिल्म के मेकर्स जल्द ही अपनी बात रखने के लिए सेंसर बोर्ड के सदस्यों के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। इस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और आदि पुरुष को पास करने के बाद मिली आलोचना के चलते हुए किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बॉक्स ऑफिस पर ग्रेटा गर्विंग फिल्म बार्बी काफी अच्छी कमाई कर रही है। क्रिस्टोफर नॉलन एंड टॉम क्रूज की फिल्म को मंगलवार को कलेक्शन के मामले में पछाड़ चुकी फिल्म अब 4000 करोड़ की तरफ तेजी से बढ़ रही है। कैसे तोड़ा फिल्म ने रिकॉर्ड, देखते हैं हॉलीवुड रिपोर्ट में। ग्रेटा गर्विग के निर्देशक में बनी फिल्म बार्बी की तेज रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। इंडिया में भले ही इस फिल्म का जादू इतना न चला हो, लेकिन दुनिया भर में दर्शक बार्बी के रंग में रंग चुके हैं
ओपेनहाइमर और बारबी दोनों ने ही थिएटर्स में 21 जुलाई 2023 को दस्तक दी थी। हालांकि ओपेनहाइमर को इंडिया में इंग्लिश के अलावा हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया, लेकिन बारबी सिर्फ अंग्रेजी में ही रिलीज हुई। अगर सिर्फ ओपेनहाइमर और बारबी के इंडियन कनेक्शन की तुलना की जाए तो इंडिया में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म का पलड़ा भारी है। मार्गोट रॉबी और रयान गॉसलिन स्टारर इस फिल्म की कमाई इंडिया में भले ही स्लो हो, लेकिन दुनिया भर में ये फिल्म शेर की तरह दहाड़ रही है। ओपेनहाइमर को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पहले ही करारी मात दी है। 6 दिनों में ही यह फिल्म दुनिया भर में 4000 करोड़ की तरह तेजी से बढ़ रही है। इस फिल्म का अब तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 3500 करोड़ तक पहुँच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसडीवी। भारत इस समय जीडीपी के लिहाज से दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी का विकास भी तेजी से हो रहा है। क्या भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, देखते हैं फिनांस रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक भारत इस समय पर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का सफल घरेलू उत्पादन करीब 3,750 अरब डॉलर है, लेकिन यही आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि दुनिया की पहली से लेकर चौथी अर्थव्यवस्थाओं और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, जिसका जीडीपी है 26,854 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब 7 गुना ज्यादा। दूसरे नंबर पर है चीन, जिसे भारत अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। चीन की जीडीपी है 19,374 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब 5 गुना ज्यादा। तीसरे और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और भारत में इतना फर्क नहीं है। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसका जीडीपी है 4,410 अरब डॉलर, और चौथे नंबर पर है जर्मनी 4,309 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ। आईएमएफ के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत अगर इसी गति से बढ़ता रहा तो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बल्कि अमरीकी बहुराष्ट्रीय बैंक की माने तो भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। थ्रेड्स ऐप में ट्विटर जैसा एक फीचर भी दे दिया है, जिससे एलन मस्क को तगड़ा झटका लग सकता है। थ्रेड्स ऐप ने दो नए फीचर लॉन्च करे हैं। कैसे काम करता है नया फीचर, देखते हैं रिपोर्ट में। मार्क जुकरबर्ग ने अपनी थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया था जब ट्विटर ने अपने यूजर्स पर कई लिमिटेशंस लगाना शुरू किया था। इस समय एलन मस्क ने बिना ट्विटर अकाउंट के ट्वीट्स देखने की अनुमति को बंद कर दिया था, जिससे कई यूजर्स नाराज थे। अब थ्रेड्स ऐप में ट्विटर जैसा एक फीचर भी दे दिया है, जिससे एलन मस्क को तगड़ा झटका लग सकता है। पहला विकल्प फॉर यू है, जिसमें उन प्रोफाइल से पोस्ट का मिक्सचर शामिल है जिन्हें दूसरे यूजर फॉलो कर रहे हैं या जिन अकाउंट्स की आपको रिकमेंडेशन की गई है। दूसरी ओर फॉलोइंग का ऑप्शन केवल उन लोगों के पोस्ट को दिखाएगा जिन्हें यूजर फॉलो कर रहे हैं। इसमें सारे पोस्ट उसी क्रम में दिखाए जाएंगे जिस क्रम में उन्हें पोस्ट किया गया है। थ्रेड्स के वेब संस्करण के बारे में पूछने एक यूजर के पूछने पर इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी ने कहा, टीम पहले से ही इस पर काम कर रही है, यह शायद कुछ सप्ताह में और आगे बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। एलन मस्क क्या कर सकते हैं, इसका सबसे ताजा उदाहरण ट्विटर का नाम और लोगो बदलने से लग जाता है। यह सब कुछ एक दिनों में हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्स नाम से उनका प्यार यानी वानगी 23 साल पुरानी है। मस्क ने ट्विटर का नाम एक्स क्यों कर दिया है, मस्क ने पहले क्या एक्स कर चुके हैं, देखते हैं रिपोर्ट में। एलन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स से बहुत पहले, मस्क ने साल 1999 में x.com के नाम से एक ऑनलाइन बैंक का रजिस्ट्रेशन करवाया था। हालांकि मस्क इस बैंक को ज्यादा दिन तक नहीं चला पाए और सिर्फ 2 साल में इसका विलय एक दूसरे कंपनी के साथ हो गया। पूरे 16 साल के बाद उन्होंने साल 2017 में पेपल से x.com खरीद ही लिया। साल 2015 में टेस्ला की सबसे लोकप्रिय SUV लॉन्च हुई। हैरानी की बात नहीं
क्योंकि इसका नाम मॉडल एक्स रखा गया। कारें तो जमीन पर चलती है, लेकिन मस्क अपने एक्स प्रेम को आसमान में भी ले गए। हम बात कर रहे हैं उनकी कंपनी स्पेस एक्स की। स्पेस एक्स अंतरिक्ष में रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट भेजने का काम करती है। स्पेस में स्पेस क्राफ्ट भेजने वाली स्पेस एक्स पहली कंपनी है। हालांकि मस्क का एक्स से इतना प्रेम क्यों है, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। खुद मस्क के मुताबिक उनको इस प्रेम का कारण नहीं पता, शायद इसलिए उन्होंने 3.5 लाख करोड़ खर्च करके खरीदी गई कंपनी का नाम भी एक्स रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दुनिया की करीब एक तिहाई आबादी यानी लगभग 2.3 अरब लोग आज भी खाना पकाने के अस्वस्थ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है और स्वास्थ्य के लिए भी काफी हानिकारक है, जिसके कारण उन्हें हर साल करीब 37 लाख लोगों की जान भी जाती है। कैसे, देखते हैं रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और अफ्रीका विकास बैंक ने एक अध्ययन जारी किया जो कहता है कि 2.3 अरब लोग आज भी खुले में आग जलाकर या केरोसिन वाले स्टोव पर खाना बनाते हैं, जो उनकी सेहत और कुदरत दोनों के लिए खतरनाक है। रिपोर्ट कहती है कि खाना पकाने के लिए लकड़ी जुटाने के लिए हर साल आयरलैंड के बराबर जंगल काटे जा रहे हैं। चारकोल, लकड़ी, कोयले, गोबर या फसल के बाद बची सामग्री को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से निकलने वाला धुआं सालाना करीब 37 लाख लोगों की जान ले रहा है, जो अप्राकृतिक मौतों का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। 2010 के बाद अब तक चीन, भारत और इंडोनेशिया ने अपने यहाँ ऐसे लोगों की संख्या आधी कर दी है जिनके पास खाना पकाने के स्वच्छ तरीके उपलब्ध नहीं है। लेकिन अफ्रीका में हालात बदतर हुए है और रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा नीतियों में बदलाव नहीं किया गया तो आने वाले 3 दशक तक भी यह समस्या नहीं सुलझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।